अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अतीक और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड था, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, उसके बारे में हम सीखेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सेकंड मेथड के बारे में जो कि था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला पे है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव किस तरीके से किया गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको डिराइव किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को आप यूज करते हुए क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव कर सकते हो, लेकिन वहां पे आप मेथड कौन सा यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए बी और सी जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, जबकि एक्स स्क्वायर एक्स वाली वैल्यू जो है वो एज अ वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं। अब अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ चले तो वहां पे हमने मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि हमने देखना है एक्स स्क्वायर के साथ किसी किस्म का कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉन्स्टेंट आता है तो उसको हम उसी नंबर पर डिवाइड करके हम उस कॉन्स्टेंट को खत्म करेंगे। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मतलब एक कॉन्स्टेंट ए यूज किया जा रहा है, इसका मतलब हमें इस पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। यहां से ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टेंट होगा उसको हमने उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना। तो कॉन्स्टेंट यहां पे हमारे पास सी ओवर ए आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स सी ओवर ए इधर प्लस है, इक्वल क्यू साइड पे जाकर वो माइनस सी ओवर ए हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो एक्स के साथ कांस्टेंट होगा इसको हमने मल्टीप्लाई करना 1 बाय 2 के साथ, या हम इसी को इस कांस्टेंट को हम डिवाइड करेंगे 2 पे। हमारे पास इसके साथ कांस्टेंट आ रहा है वो बी ओवर ए आ रहा है। अगर मैं बी ओवर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बाय 2 के साथ तो बी डिवाइड बाय 2a आएगा। तो मैंने कहा था कि जो हमारे पास आंसर आया होगा 1 बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस आंसर के स्क्वायर को बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब b ओवर 2a का जो बोथ स्क्वायर होगा वो हमें बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा। कैसे, x स्क्वायर प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a, इसका स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया, प्लस b ओवर 2a इसका स्क्वायर हमने इस साइड पे भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि आपने इसका फॉर्मूला कंप्लीट करता है, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज होंगी इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आप एक कंप्लीट फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, दूसरा हमारे पास बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इन दोनों को हम यहां से ज्वाइन करते हुए एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास एक्स प्लस बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर होगा। बीच में जो साइन था मैंने कहा था वो डिपेंड करेगा एक्स वेरिएबल के साथ कौन सा साइन आ रहा है। अगर उसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए स्क्वायर यहां पे एज इट इज रहेगा। अब सिर्फ हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहां पे x प्लस b ओवर 2a इसका होल स्क्वायर यहां पे एज इट इज, इसका हम यहां से एलसीएम ले लेंगे जो कि क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को जब हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास b स्क्वायर आएगा, साइन बीच में माइनस का, 4a स्क्वायर पर जब हम a पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4a बचेगा, तो 4a को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4ac आएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इस x वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसे खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हम कैसे खत्म करेंगे, आप क्या करेंगे इनका यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे, x प्लस बी ओवर 2a इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया, इसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर इसका भी हमने स्क्वायर यहां से ले लिया। यहां पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस b ओवर 2a ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इज आपके पास रहेगी b स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि नीचे वाली वैल्यू जो है इसका होल स्क्वायर आप बना सकते हैं, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर आपके पास एज इज, तो इस 4a स्क्वायर को आप ले सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और 2a का जो होल स्क्वायर होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2a आएगी। उसके बाद b ओवर 2a इधर प्लस है उस साइड पे जाके माइनस प्लस माइनस का साइन सॉरी यहां पे आएगा, इसी तरह b ओवर 2a यहां प्लस है इक्वल के उस साइड पे जाके वो माइनस x इज इक्वल टू
plus minus square root of b square minus 4ac over 2a, b over 2a इधर प्लस उधर जाके minus b over 2a. इसका हम यहाँ से एलसीएम लेने आपके पास क्या आएगा 2a, और ऊपर आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b. इसको रीअरेंज कर ले माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो ये जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, इस फॉर्मूला को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का. और इसी फॉर्मूला को यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं उसकी वैल्यूज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं. हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. 1.2 की करंट फॉर्म में ये ऑलरेडी सिर्फ इसको हमने रीअरेंज करना है. तो रीअरेंज आप इसको किस तरीके से करते हैं, x स्क्वायर इधर माइनस होते जाके प्लस हो जाएगा, 2 इधर प्लस होते जाके माइनस हो जाएगा. इसका मतलब 7x plus x स्क्वायर minus 2 is equal to 0. इसको रीअरेंज कर ले, x स्क्वायर plus 7x minus 2 is equal to 0. इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करना है. तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो वो कुछ इस फॉर्म में है, ax2 plus bx plus c is equal to 0. अब यहां पे हमने कांस्टेंट्स निकाले हैं, a हमारे पास किसके इक्वल होगा, b हमारे पास किसके इक्वल होगा, c जो है वो किसके इक्वल होगा. तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं x2 के साथ जो कांस्टेंट है वो a है, इसका मतलब यहां पे x2 के साथ जो कांस्टेंट होगा वो a की वैल्यू होगी. यहां पे x2 के साथ कांस्टेंट 1 आ रहा है, देन a is equal to 1. b x के साथ यहां पे b आ रहा है, इसका मतलब यहां पे x के साथ 7 आ रहा, तो b किसके इक्वल होगा 7 के. लास्ट पे जो कांस्टेंट है c, इसी तरह यहां पे लास्ट पे कांस्टेंट -2. हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है. इन तीनों वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और अब इसके आंसर हम इसको फाइंड करेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² -4ac / 2a. तो यहां पे अगर हम सारे वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं तो हमारे पास x is equal to minus b, b आपके पास यहाँ पे क्या था minus 7 plus minus under root b square 7 का square minus 4, a आपके पास यहाँ पे क्या था 1 और c आपके पास यहाँ पे क्या था minus 2 divided by 2a, 2 यहाँ पे आपके पास s थी तो a आपके पास 1. इसको सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे minus 7 plus minus square root of 7 का square 49, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2. x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 डिवाइड बाय 2. तो यहां पे हमारे पास x की जो दो वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, एक हमारे पास माइनस 7 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 और दूसरी हमारे पास माइनस 7 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2. इसका एक और पार्ट ट्राई कर लेते हैं. हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें मैं रूट्स में उसने कुछ वैल्यूज हमें गिवन की हुई हैं, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको फाइंड करनी है. तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. जो कि हमारे पास क्या थी ax2 bx c = 0. हमें कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड है, कांस्टेंट हमारे पास a b और c होंगे. x2 के साथ जो कांस्टेंट है वो a, देन a = स्क्वायर रूट ऑफ 3. x की बात करें हमारे पास b, x का कांस्टेंट हमारे पास 1, देन b इज इक्वल टू 1, 4 अंडर रूट 3 इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3. हमारे पास यहां पे तीनों कांस्टेंट जो हमारे पास यहां पे आ चुके हैं. अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको फार्मूला में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. b आपके पास यहां पे क्या आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या था यहां पे b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a आपके पास अंडर रूट 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 जो है वो यहां पे एज इट इज रहेगा. सिंपलीफाई इसको करें माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 4 को जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3 यहां पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 यहाँ पे एस इज अंडर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 48
डिवाइड बाय 203 जो है वो हमारे पास यहां पे एज इज रहेगा। x = -1 + -√1 + 48 49 डिवाइड बाय 203 यहां पे एज इज 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है देन x = -1 + √7 स्क्वायर डिवाइड बाय 203 ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा x = -1 + -7 डिवाइड बाय 203 तो यहां पे आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसका एक और पार्ट ट्राई कर लेते हैं हमारे पास सेवंथ पार्ट है जो कि हमने फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन किया हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसको अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कुछ एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म में उसने गिवन किया तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस हैं उसके बीच में जो रिलेशन है उसने आपको सब्ट्रैक्शन का गिवन किया इसका मतलब आप आसानी से इसका एलसीएम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम मैंने आपको मैसेज दिया था आपका कहने के जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आपके पास आएगा उसको क्या करेंगे पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दो फैक्टर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में x - 6 और x - 5 इस x - 6 * x - 5 को हम क्या करेंगे वो पूरी इक्वेशन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे x - 6 x माइनस फाइव इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर x माइनस सिक्स के साथ माइनस 4 ओवर x माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय x माइनस सिक्स इंटू x माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस सिक्स इंटू x माइनस फाइव। उसके बाद x माइनस सिक्स से कैंसिल हो जाएगा x माइनस फाइव से कैंसिल हो जाएगा यहां पे आपको क्या बचेगा 3 इंटू x माइनस फाइव माइनस 4 इंटू x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x माइनस सिक्स इंटू x माइनस फाइव एस डी जाएगा। अब हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x 3 को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करें माइनस 15 माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 इज इक्वल टू इन दोनों फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को x से मल्टीप्लाई करें x को x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 5x माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस 6x माइनस 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं यहां पे इसको सिंपलीफाई 3x और माइनस का 4x माइनस x माइनस 15 और प्लस का 24 जी इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं हमारे पास 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 15 और प्लस का 24 प्लस का 9 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह इक्वल की साइड पे आप इसको भी सिंपलीफाई कर लें x स्क्वायर यहाँ पे आपके पास एज इट इज माइनस 5x और माइनस 6x माइनस 11x और प्लस 30 जो है वो यहाँ पे एज इट इज इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल की साइड पे ले लें तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 x इधर माइनस होता जाके प्लस एक्स नाइन प्लस जाके माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो मजीद इसको सिंपलीफाई यहां पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर हमारे पास यहां पे एस डी रहेगा माइनस 11x और प्लस एक्स माइनस का 10x प्लस का 30 और माइनस का 9 माइनस सॉरी प्लस का 21 इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो हम यहां से कांस्टेंट निकाल लेते हैं a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 10 एंड c इज इक्वल टू 21। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a तो कांस्टेंट हमारे पास यहां पे सारे हैं minus 10 plus minus under root minus 10 का स्क्वायर minus 4 a is equal to 1 and c is equal to 21 divided by 2 और a आपके पास यहां पे क्या था सिंपलीफाई करें माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 84 डिवाइड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 16 डिवाइड बाय 2 माइनस 10 प्लस माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है देन 4 डिवाइड बाय
टू। तो यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज रहेंगी, एक आपके पास पॉजिटिव में लिखेंगे और दूसरी को आप नेगेटिव में लिखेंगे। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आप इसके आंसर में उसको फाइंड कर सकते हैं। ये इसको कर देते हैं, x is equal to minus 10 plus minus 4 over 2, एक दफा इसको प्लस में लिख लें, दूसरी दफा माइनस 10 माइनस 4 ओवर 2, एक दफा इसको माइनस में लिख लें, माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 ओवर 2, x is equal to minus 1 minus 4 minus 14 over 2, 2 under 2 to 3 the 6, 2 under 2 to 7 the 14, then x is equal to minus 3 and x is equal to minus 7, तो solution set में प्लस यहाँ पे इसका क्या आ चुका है minus 3 and minus 7। इस तरीके से जो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में या अपनी प्योर फॉर्म में उसको आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं उनके सॉल्यूशन भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।